मैं हूँ पूनम, मेरे हस्बैंड आदित्य और मैं रणथंभौर में रहते हैं। हमें जंगलों को बढ़ाना पसंद है। 1999 में मैं एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा था और वो लोग चाहते थे कि टाइगर का एक ऐसा शॉट हो जिसमें टाइगर खेतों और जंगलों की बाउंड्री पर चल रहा हो। हम उस सीन को रिकॉर्ड करने के लिए बदलाव नाम की एक वैली में गए। वहां एक अवैध पत्थर की खान हुआ करती थी। लकड़ी की कटाई बड़े पैमाने पर होती थी। हमने देखा वहां करीब 25 छोटे किसान थे जो उस वैली की लगभग सारी जमीन के मालिक थे। उनमें से काफी किसान उस जगह को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो बिल्कुल जंगल के साथ लगती थी, जिसकी वजह से जंगली जानवर उनके खेत में आ जाया करते थे और कई बार तो पूरी फसल बर्बाद हो जाया करती थी। रणथंभौर नेशनल पार्क छोटी छोटी घाटियों से घिरा हुआ था जो कि टाइगर रिजर्व के लिए एक दीवार का काम करती थी। जानवरों को चराना, लकड़ी काटना इन घाटियों में होता था। पार्क के आसपास आबादी बढ़ गई। घाटियों को लेवल करके खेतों में बदल दिया गया। जानवरों की चराई पार्क में और अंदर तक जाकर होने लगी। रणथंभौर ने एक तरह से अपनी दीवार को खो दिया। 1999 में हमने वहां जमीन खरीदनी शुरू की और फिर से जंगल बनाने का फैसला किया। आप जंगल नहीं बना सकते, तो ये काम किया मिट्टी, मधुमक्खियों और परिंदों ने। और 4 से 5 साल के अंदर हमें पेड़ दिखने लगे। हमारे पास रणथंभौर के सूखे जंगलों के मुताबिक सभी प्रजातियां। हमें 8 से 10 साल लगे गांव वालों को और पंचायत को समझाने में कि वो लकड़ियां ना काटें और अवैध खनन भी रोकें। और 3-4 सालों में हमें उसके नतीजे भी देखने को मिले। अचानक हमारी जमीन के आसपास के हिल्स, जो कि नेशनल पार्क के अंदर ही हैं, वहां पेड़ उगने लगे और वो इलाका काफी घना हो गया। नेशनल पार्क करीब 300 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है और हमारी जमीन करीब 35 एकड़, तो ये काफी छोटा है क्योंकि मेरी जमीन गांव और जंगल के बीच में एक लंबी पट्टी है। तो मैंने नेशनल पार्क के आसपास के हिस्सों में गांव वालों की पहुंच को एक तरह से रोक दिया है। 20 साल हो चुके हैं पर यह काम अभी हुआ नहीं है, अभी भी चल रहा है। मैंने ये जमीन इसलिए खरीदी क्योंकि मैंने वहां एक टाइगर देखा था। हमें लोगों से ऑफर मिलते हैं, जैसे इतने करोड़ ले लो, ये जमीन हमें बेच दो। सिर्फ मैं और मेरी वाइफ उसके मालिक नहीं, हम कई जानवरों, पक्षियों और पौधों के साथ इसके मालिक हैं, इसलिए ये जमीन बिक्री के लिए नहीं है, बात खत्म।